हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी विषय गणित की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। कार्य पत्र है 3, तिथि है 12 जुलाई 2021। बच्चों, कक्षा 6 की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। देखिए बच्चों, आज का जो विषय है उपविषय, वो हम पढ़ेंगे संख्याओं की जानकारी। तो बच्चों, संख्याओं की जानकारी हम यहाँ देखेंगे। प्रिय छात्रों, आपने अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं देखी होंगी, क्या ये सभी एक जैसी हैं या इनमें कुछ अंतर है। आइए संख्याओं की तुलना के बारे में सीखें। तो बच्चों देखिए, आप सभी ने अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, तो क्या वो सब एक जैसी हैं या उनमें कोई अंतर होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ 3 बच्चे हैं, रोहन, मोहन और सोहन। इन तीनों बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है? तो बच्चों, सबसे ऊंचाई किसकी ज़्यादा है? सोहन। तो यहाँ लिखेंगे हम, सोहन की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, अगला है, इन तीनों बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे कम है? और सबसे कम ऊंचाई किसकी है बच्चों? तो देखिए बच्चों, रोहन की ऊंचाई सबसे कम है। अगला प्रश्न देखिए, क्रियाविधि, आइए संख्याओं की तुलना करें। प्रश्न पहला देखिए, संख्याओं 2438 और 947 की तुलना करें, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? तो बच्चों देखिए, आप सभी को पता है संख्या 2438 हमारी बड़ी है, 4 अंकों की संख्या है, और 947 3 अंकों की संख्या है। इसलिए 4 अंकों की संख्या बड़ी होगी और 3 अंकों की संख्या छोटी होगी। तो बच्चों, आप सभी को ध्यान रखना है, हमेशा ज़्यादा अंकों वाली जो संख्या होती है वो हमेशा कम अंकों वाली संख्या से बड़ी होती है। यदि अंकों की संख्या समान हो, जैसे 6798 और 7892 4 अंकों की संख्याएं हैं। इस तरह के प्रश्नों में 4 अंकों की संख्या में 1000 के अंक की तुलना करें। तो देखिए बच्चों, आप सभी को 2 संख्या दी गई है, एक संख्या तो आपकी ये है और एक संख्या आपकी ये है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना होगा बच्चों, आपको देखना है कि भाई 7 हमारा बड़ा है और 6 हमारा छोटा है, तो सीधी सी बात है, ये वाली संख्या हमारी बड़ी होगी, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो बूझो तो जाने। प्रश्न पहला देखिए, हमें क्या दिया गया है, संख्याओं की तुलना करते हुए रिक्त स्थान पर बड़े, छोटे और बराबर चिन्ह लगाइए। तो बच्चों देखिए, इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? तो हमने बताया 4 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या से हमें बड़ी होती है, तो हमने बड़े का चिन्ह यहाँ लगा दिया। इसी तरह दूसरे में देखिए, दूसरे में भी 4 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या से बड़ी होती है, तो हमने बड़े का चिन्ह लगा दिया। प्रश्न 2 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं की तुलना करें और आरोही व अवरोही क्रम में लगाएं। बच्चों, आरोही क्रम कौन सा होता है आप ये बताइए सबसे पहले तो मुझे। तो आरोही होता है बच्चों छोटे से बड़ा, तो आरोही क्रम में हम इनको लगाएंगे। तो 85 685, 695, 4875 और 4998। ठीक है, और अवरोही होता है हमारा बच्चों बड़े से छोटे क्रम में, तो अब इसको बड़े से छोटे क्रम में भी लगा देते हैं हम। 4998, 4875, 695, 685 और 85। तो बच्चों, आया सभी को समझ में आरोही और अवरोही क्रम कौन सा होता है? तो बच्चों, आरोही हमारे छोटे से बड़ा, ठीक है, छोटे से बड़ा। इसी तरह अवरोही होता है हमारा बड़े से छोटा। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को अच्छे से? तो इस तरह से बच्चों, आप सभी को अपनी जो वर्कशीट है उसे सॉल्व करें। और उम्मीद करती हूँ बच्चों, आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे लाइक का बटन दबा करके लाइक करें ज़रूर। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप सभी शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, जल्दी से लाल बटन दबा करके आप सभी मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह आप सभी मेरे वीडियोज़ को देखते रहें और मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।